हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडियस क्लासेस में। आज हमारा बिहेवियर ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 6 है। जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने बॉयस लॉ की सारी कुंडली देख ली, उसकी जन्म कुंडली से लेकर के मरण कुंडली तक, है ना, बर्थ डेट से लेकर के उसका डेथ डेट के बीच में जितने सारे कारनामे सारे हमने देखे उसके रिलेटेड। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वही सारी चीज़ें चार्ल्स लॉ से रिलेटेड, कि चार्ल्स लॉ में क्या बताना चाहता है, कि जो चार्ल्स हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आपने कभी मकई फूटते हुए देखा है? मतलब मकई होता है ना दाना, भुट्टे का जो दाना उसको मकई बोलते हैं ना, इतना तो मालूम ही होगा। उसको देखा है आपने, काली कढ़ाई के अंदर रख करके उसमें बालू डाल करके उसको हीट किया जाता है, गर्म करते, क्यों? मकई बनता है ना, उस भुट्टे का दाने से मकई बनता है, उसको जो बहुत अच्छे से खाते हो आप लोग, तो मकई बनता है। वो क्या होता है, आप जब उसको हीट देते हो, आपने कभी गौर किया कि देखा होगा तो फड़फड़ाता है बेचारा अंदर से, मतलब बाहर निकलने के लिए तिलमिलाता है। उसको गर्म कर रहे हो तो क्या होता है, वो भागने की कोशिश करता है। करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? बेचारा ठीक सुकून से था, आप उसको लेके गए जला रहे हो तो क्या करेगा, भागने की कोशिश तो करेगा, है ना। उसको छोड़ो, आप अभी खुद अपना एग्जांपल ले लो। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी, आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा पसीना। हालांकि फ़ैन भी चल रहा है यहाँ पर, खिड़की भी खुली है, हवा भी आ रही है, बट पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जब गर्मी आपको लगती है बहुत ज़्यादा, आप क्या कहते हो, आप एक जगह चैन से बैठ पाते हो, है ना, ना आप सुकून से बैठे हो तो मस्त नींद ले रहे हो, अचानक लाइन चली गई, लाइट चली गई, पंखा बंद, पसीना चालू, हाहाकार मच जाता है, तो कैसा लगता है, एकदम उधर के इधर भागे, उधर भागे, इधर भागे, उधर भागे, भागते हो कि नहीं? तो जब भी कहते गर्मी लगता है, कैसे बेचैनी से दौरा भागता है, एक जगह चैन से बैठ पाता है नहीं ना। हाँ, नहीं तो एक बार एक्सपीरियंस करके देख लो, जब पंखा वगैरह बंद करो रूम में, जरा 5 मिनट रह के देखो रूम के अंदर कैसा लगता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, अभी आगे इसको रिलेट करूँगा मैं। आते चार्ल्स लॉ के ऊपर, तो एक दिन की बात है, हुआ क्या कि चार्ल्स हमारे साइंटिस्ट थे, वो अपने भाई के साथ गए खुले मैदान में खेलने के लिए, है ना। वो लोग भी खेलते थे भाई, ऐसा नहीं कि नहीं खेलते थे, साइंटिस्ट लोग भी खेलते थे तो इंसान ही ना, तो खेल कूद किया करते थे वो लोग भी। वो खेलने गए, मौसम सुहाना, आसमान साफ, ठंडी हवाएं, एकदम मस्त हवा चल रही थी बढ़िया से, तो चलिए ये खेलते हैं। तो उनका भाई एक कोना में लकड़ी जला के बैठ गया शकरकंद सेकने के लिए, ऐसा कि नहीं, शकरकंद खाओ ना, शकरकंद सेकने के लिए, चलिए शकरकंद सेक के खाते हैं। और जो चार्ल्स साहब थे हमारे साइंटिस्ट साहब, वो बैलून फुला रहे थे, बैलून फुला करके वो हवा में छोड़ रहे थे। अब बैलून फुला के मस्त हवा में छोड़ रहे, फुलाते फुलाते देखें बैलून कुछ देर ऊपर उड़ रहा है, खुद ब खुद फूट जा रहा है, ऐसा क्यों? फिर बैलून देखा, एक बैलून उड़ करके वहाँ चला गया जहाँ उनके भाई आग लगा करके थे, लकड़ी जला रहे थे, वो जैसे ही आग के हल्का सा करीब गया फूट गया, ऐसा क्यों हुआ ना, अजीब चीज़ हुई भाई, चलिए ठीक तो उड़ रहा था, इतनी मेहनत से मैंने फुलाया, क्यों फूट गया आखिर? यहाँ सुन के दिमाग में खुराफात मची, चलिए कुछ देखते हैं हुआ क्या है। साइंटिस्ट लोग ऐसे होते, कुछ ही मिलेगा पकड़ के बैठ जाएंगे एकदम लेके, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना कर दें। तो इन्होंने कर डाला अंतिम संस्कार एक चीज़। अब उन्होंने गौर किया तो पता चला, अच्छा बाहर में छोड़ दिया, जैसे आग के पास गया तो क्या हुआ, आग हीट चल रहा है ना, टेम्परेचर वहाँ पे, जैसे बैलून आग के पास गया फूट गया, टेम्परेचर बढ़ा बैलून फूट गया, अच्छा टेम्परेचर बढ़ा बैलून फूट गया एकदम फटक से टेम्परेचर। ऐसे भी आप अगर बैलून को फुला के छोड़ के रख दो एक कोने पे, फूट जाएगा कुछ देर के बाद, वो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक फूट जाएगा, अगर उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो, हाँ सूरज की रोशनी से पड़ रही है फूट जाएगा वो, क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा सर, तो ये एक ऑब्जर्वेशन किया चार्ल्स साहब ने कि टेम्परेचर बढ़ता है तो बैलून फूट जाता है बैलून फूट जाता है, क्यों फूट जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, आइए देखते हैं उसको हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अगर आपको टेम्परेचर में बढ़ा दो रूम में, जस्ट वही हमारा पुराना वाला कंटेनर है ना, हमारे पास बजट की कमी है तो हम एक ही कंटेनर को बार बार यूज़ करते हैं, इसमें हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा पुराना कंटेनर छोड़ो, अभी हमने जब बैलून की बात की तो बैलून लेते हैं ना, थोड़ा सा बजट बढ़ा देते हैं हम लोग, बैलून लेते हैं, हमारा बैलून थोड़ा सस्ता है, ठीक है, हाँ सस्ता बैलून है ये, इस तरीके का होता है लगभग,
तो हमने एक बैलून लिया। अभी इस बैलून में जब हवा हम भरते, तो हवा भरते तो क्या था, हवा गैस होती है ना। हम अपने मुंह से जो हवा भरते तो देखते थे कि गैस है, ऑक्सीजन हम लेते गैस है, हमने जो ये छोड़ा हुआ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके अंदर भी तो कोई ना कोई गैस ही जा रही है। हम क्या बाहर निकलते अपने कार्बन डाइऑक्साइड, इस चचे के अंदर कौन सी गैस आएगी, कोई भी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी जो भी, तो इस गैस के अंदर तो अभी इसमें गैस है, तो गैस के मोलिक्यूल्स है इसमें। अब हम गैस के मोलिक्यूल्स मस्त हमने छोड़ दिया, उड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, ये जैसे ही यहाँ लकड़ी की जो आग जल रही थी, ये हमारे सस्ता लकड़ी था है ना, महंगा लकड़ी नहीं है, जिससे देखो आग भी हमारा सस्ता है, तो इससे लकड़ी पे जब आग जली थी, जैसे गई ब्लास्ट बम फट गया। कैसे फटा अभी देखिए, अभी मैंने क्या बताया, वो जो एग्जांपल दिया मैंने मकई वाला, कैसे फड़फड़ाता है भागने के लिए, अब भी कैसे फड़फड़ाता है ना, गर्मी बढ़ जाएगा अचानक, टेम्परेचर बढ़ा, कैसे इधर उधर तितर बितर करते हैं ना, जल्दी से कहीं आराम से ठंडा जगह में बैठे जा करके मस्त लगेगा ना। तो ये भी तो इंसान ही है, इंसान नहीं है मतलब है, तो महसूस तो इन्हें भी होता है टेम्परेचर। अब जैसे कि अच्छा टेम्परेचर बढ़ा, अब अंदर के जो मोलिक्यूल्स हैं सब तिलमिला गया एकदम। ऐसे ही भी तो हम लोग जानते हैं कि गैस के मोलिक्यूल्स क्या है, रेंडम मोशन में, ऐसे भी जिधर तिधर भागते हैं, एकदम जिधर तिधर भागेंगे। अब टेम्परेचर बढ़ा ना, अब गर्मी लगे लोगों, अब और तेज़ी से भागने लगे, तो ऐसे भी तो भागे इधर उधर 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 भाग रहे, अब क्या हुआ और तेज़ी से भाग रहे, एकदम डिम डाम विम बाम करके इधर उधर जिधर तिधर। मैं समझ ही नहीं आ रहा किधर जाना, बस जाना है। तो हुआ क्या, जगह तो इतनी ही है, जगह में थोड़ी बड़ा है, बैलून उतना ही बड़ा है। अब गैस के मोलिक्यूल को जगह ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा जगह मतलब क्या, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, ये तो वॉल्यूम इतना ही है बैलून के पास, उसके अंदर गैस है। अब इनको क्या है, जगह ज़्यादा मतलब ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए गैस के मोलिक्यूल, उसको इसके अंदर नहीं रख सकते, क्यों, टेम्परेचर बढ़ गया है, छटपटा रहे, तितर बितर गर्मी लग रही बेचारे को, तप रहे आग में, इधर उधर भाग रहे एकदम। पिक्चर्स वगैरह में कुछ सीन देखे होगा ना, भीड़ में मस्त एकदम मेला लगा हुआ, बढ़िया सा विलन आया, गोली चलाया एक, उसके बाद क्या होता है, गोली की आवाज़ सुनी, गोली किसको लगाई इससे कोई मतलब नहीं है, बस गोली की आवाज़ सुनी आदमी भागे, क्यों, वहाँ पे डर है, डर गया सब, अच्छा है गोली चला, कहीं हमको ना लग जाए। सब जैसे तैसे जिधर तिधर भाग रहे, किसी को नहीं पता, कोई उसको को आपस में टकरा रहा है, किसी को टकरा रहा है, किसी के पैर पे चढ़ रहा है, आदमी को गिर गया तो भी कोई लेना देना नहीं है, बस अपना जान बचा के भागना है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे इन गैस के मोलिक्यूल्स का, बस इनको अपना जान बचा के भागना है भाई, वो जल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उनको आग लग रही है, वो जल रहे हैं, कैसे भागेंगे, भागेंगे कैसे, जगह तो कम है, बैलून फाड़ के भागेंगे एकदम बैलून को फाड़ के भाग जाना, तो बैलून फट जाता है इस केस में, क्यों, बैलून के पास लिमिटेड जगह है भाई, बैलून बोला हम तो इतना ही बड़े हैं, आपको रहना है इसमें रहिए, वो बोला नहीं हमको तो अब जाना है भैया, हम यहाँ अंदर रह के नहीं चलेंगे, हमको बाहर जाना है, तो बस एकदम फाड़ के बाहर निकल जाता है, ख़त्म, बैलून का कहानी ख़त्म। तो यहाँ से क्या समझ आया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, आय हाय 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 क्या बात है सर जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये चीज़ आदमी लोग पहले भी देखते आते थे, मतलब किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था जल्दी, इन्होंने ऑब्जर्व किया तो लॉ बना दिया है, यही तो है। देखते सब है बट उसको महसूस कौन करता है, ये बड़ी बात है, जो महसूस करता है वही तो समझ पाता है चीज़ की गहराई को। इन्होंने महसूस किया, ऑब्जर्वेशन करके अच्छे से तो बताया, अच्छा टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा सर जी इसका उल्टा हो सकता है, मतलब टेम्परेचर घटा दे तो क्या वॉल्यूम घट जाएगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। आप इसको बैलून को कोई रूम में रख दो जहाँ पे टेम्परेचर को मैंने बाहर से सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, अंधेरा रूम कर दो, बत्ती भी नहीं जलाना क्योंकि बत्ती से भी हीट प्रोड्यूस होता है, कुछ देर छोड़ दो, कुछ देर के बाद देखना बैलून चिपटा हो जाएगा अपने आप, क्यों चिपटा हो जाता है, टेम्परेचर कम हुआ ना, हीट इन लोगों का कम हुआ, ठंडा गया सारा मॉलिक्यूल्स, इधर उधर भाग रहा था बट ठंडा गया, तो ठंडा के मॉलिक्यूल्स का सिकुड़ के एक जगह आ जाएगा है ना, सिकुड़ के हो जाएगा एक जगह आ जाएगा, तो बैलून भी चिपट जाएगा, बैलून तो फुला हुआ गैस की वजह करी, गैस के साथ जब गैस एक जगह खट गया तो बैलून भी चिपट गया। ये चीज़ एक जगह और देखने को मिलती है आपको, गाड़ी वगैरह टायर का ट्यूब देखो या साइकिल का, ठंड के मौसम में देखना, ठंड के मौसम में चिपटा जाता हवा निकला हुआ रहता है, जब जमीन से ताल्लुक बहुत बढ़ जाता है उसका, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया ना, गैस के मॉलिक्यूल सब ठंडा गया, तब उसको भी ठंडा लग रहा, सिकुड़ के एक जगह चला गया, कोना में बैठा हुआ, कोई हरकत नहीं कर रहा है, बट ज़्यादा नहीं कर रहा हरकत। गर्मी में वहीं देखो
डिम डाम करता है टायर, है ना, साइकिल का टिप डिम डाम करके उड़ेगा एकदम, जहाँ धूप में रहेगा बम खत्म। इसलिए बोला था धूप में मत रखो, खर्चा लग जाएगा ना, बहुत खर्चा लग जाएगा। तो ये हुआ बात, ये उन्होंने की ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आहा, क्या बात है, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, आया कुछ याद आया, याद आया डायरेक्ट वेरिएशन नाम का एक चीज़ होता है, डायरेक्ट वेरिएशन नाम का एक चीज़ होता है ना, डायरेक्ट वेरिएशन नाम का एक चीज़ यहाँ पे वही तो देखने को मिल रही है। एक चीज़ बढ़ी उसके वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, एक चीज़ घटी उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी घट गई, डायरेक्ट वेरिएशन, ख़त्म कहानी। इसको हम लगा ऐसे लिख सकते, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आई तो चार्ल्स लॉ, ख़त्म। ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, इसको घटाए तो ये भी घटेगा ना। अभी रुको, आगे आएंगे, अभी इसमें भी तो कुछ कांस्टेंट होगा, ये बिल्कुल है, इसमें भी कुछ कांस्टेंट है, मैंने पूरा स्टेटमेंट थोड़ी बोला है, अभी बस कंसेप्ट पे चल रहा है, यही कंसेप्ट भैया चार्ल्स लॉ का, आगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, बस कहानी ख़त्म। अब इन्होंने ये बताया कि कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कितना टेम्परेचर घटने से कितना वॉल्यूम घट जाएगा, ये चीज़ तो मालूम चल गई भैया, बढ़ेगा तो बढ़ेगा घटेगा तो घटेगा, बट कितना इसको बढ़ाने पर ये कितना बढ़ेगा और कितना इसको घटाने पर ये कितना घटेगा, ये भी बताया उन्होंने। तो इसी पे उनका एक सेंटेंस है, इनके टेम्परेचर देखो, इनका रिलेशन किसके बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के। मैंने क्या बताया, जो हमारे इनिशियल जो दो तीन लॉ है उसमें मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इनके भी लॉ में मास हमारा फिक्स्ड है, मास को चेंज नहीं करना है। बैलून जो लिए थे इसमें क्या था, मास तो फिक्स था, हमने इसमें एक्स्ट्रा का कोई मॉलिक्यूल नहीं डाला, गैस के मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा डाला नहीं, है ना, उतने ही थे जितना हमने भावा भरा के बस गिट्ठा लगा के छोड़ दिया, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मास हो गया फिक्स्ड। और मास के साथ हमें क्या फिक्स रखना है भैया, प्रेशर, है ना। बॉयल्स लॉ में क्या था, वो प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशन था, यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन है, तो टेम्परेचर तो यहाँ वेरी कर रहा है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट में वर्ड, कांस्टेंट वर्ड और फिक्स्ड वर्ड दोनों का मीनिंग सेम होता है, मैं दोनों इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप दोनों वर्ड से फैमिलियर रहो, है ना, दोनों वर्ड से फैमिलियर रहो, ऐसा नहीं कि अचानक कोई आए बोले सर बोले नहीं ये क्या होता है, है ना, ऐसा नहीं बोलना। हाँ तो ये है, तो उनका स्टेटमेंट ये बोला गया है कि मुअय्यन दबाव पर किसी गैस की दी हुई कीमियत का हजम यानी कि वॉल्यूम अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, ये एक स्टेटमेंट बनता है इसका, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है, जो इनिशियल स्टेटमेंट ये आपका सेकंड स्टेटमेंट होता है चार्ल्स लॉ का, इनिशियल स्टेटमेंट ये बोलता है कि मुअय्यन दबाव पर किसी गैस की दी हुई कीमियत का हजम एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने, कितना डिग्री, एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर उस गैस का हजम यानी कि वॉल्यूम अपने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाले हजम के हजम का 1/273 हिस्सा बढ़ या घट जाता है, कितना, 1/273 हिस्सा, इतना पार्ट, या तो बढ़ेगा या घटेगा, मैंने टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया है तो ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाया है तो इतना हिस्सा घटेगा, ये बताया उन्होंने, है ना। अच्छा, तो स्टेटमेंट हो गया भैया, नोट्स में आपको बाई लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है, इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इनका स्टेटमेंट हो गया, आप जरा इसको खोल के देखते हैं कि भैया ठीक है, प्रेशर मास कॉन्स्टेंट है, छोड़ दिया हमने उसको, है ना, इस केस में हमारे VIP आदमी कौन है, मास तो उस केस में भी था, मास का तो राज है अभी, इस केस में एक VIP आदमी कौन है, प्रेशर आ गया VIP, टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर का वैल्यू खत्म हो गया, उसको हम जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो किस एतबार से बढ़ेगा, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम का 1/273 हिस्सा बढ़ जाएगा, और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटा देते हैं तो जो वॉल्यूम है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम का 1/273 हिस्सा घट जाएगा, है ना। सर सुन के तो अच्छा लग रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाते हैं, मिटा दिया जाए इसको, है ना, मिटा दिया जाए एकदम। चलिए अभी समझाते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो, है ना, साइंस पढ़ते वक्त मानना बहुत पड़ता है क्योंकि उसको अभी दिखाऊं मैं कहाँ से लाकर। ये मान लो आपका एक कंटेनर है,
ये जो बैलून था आप उसको ही मान सकते हो कि बैलून 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 ही मान लो, चलो फील आएगा आपका। मतलब ये आपका बैलून था और इसमें आपने गैस मतलब फूंक मारी भैया, इसमें आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं है ना, इसमें आपके गैस हैं और इसको आपने छोड़ दिया। जब आपने इसमें फूंक मार के रखा तो उस वक्त टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एकदम इनिशियल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, स्टार्ट है एकदम इनिशियल स्टार्ट हुआ आपने। मैंने ऐसा कंडीशन बनाया गया है भैया, ऐसा रूम में लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, वही मैं बता रहा हूँ। लैब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया, उस टाइम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया, या तो कोई कंटेनर में गैस लिया गया या फिर मान लो बलून में जो गैस भरी इसको रखा गया अपना, ठीक है। अब नोट किया गया, क्या नोट किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस बैलून में तो वॉल्यूम है आपका, जो इस बैलून का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। बताया था मैंने गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, ये बेचारा मोहताज है बर्तन का, जिस बर्तन में या जिस ऑब्जेक्ट में रहेगा वही उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो गया, जो वॉल्यूम इसका हमारा बैलून का वही हमारा गैस का वॉल्यूम है। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, चलिए इसको हम T1 नाम दे देते हैं। अच्छा छोड़ो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस वक्त हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिए और उस वॉल्यूम को हम बोले V, मतलब इनिशियली जो हमारा टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वॉल्यूम हमने कितना रखा V, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना है V, याद रखेंगे इसको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना है हमारा V। चार्ल्स ने क्या बोला, अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चलिए बढ़ा दिया तो क्या हो, इस बैलून का साइज थोड़ा बड़ा होगा है ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, छिछी आओ ये तगंदा, इस बैलून का साइज हम थोड़ा बढ़ा देते, बड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा लग रहा है, फील कर लो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो अब जब हम मतलब हमने क्या किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना। हाँ ध्यान यहाँ दो, कहाँ ध्यान हो तुम्हारा, इधर ध्यान दो। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, अभी तो चार्ल्स ने बताया कि अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम का 1/273 हिस्सा बढ़ जाएगा। आए हाय सर, 1/273 हिस्सा बढ़ जाएगा ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम कितना है, अरे सर भी है सर, कितना बढ़ेगा, 1/273 हिस्सा इतना बढ़ जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं इसे V पॉइंट 273, मतलब इतना बढ़ेगा, इतना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सर इस केस में वॉल्यूम होगा कितना, नया वॉल्यूम कितना होगा, ये देखते हैं, इसको ऐड करेंगे ना, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ये हमारा V, और बढ़ा कितना, अच्छा थोड़ा सा इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको V0 नाम दे देते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको ना, क्यों दिक्कत होनी चाहिए, 0 0 मैच करेगा इसलिए मैं बस इसको 0 नाम, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वॉल्यूम हमने नापा था, मेजर किया था V0, V0 सेकेंड केस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ये वॉल्यूम है इसका 273वां हिस्सा बढ़ेगा। तो ये तो इतना बढ़ गया, नया वॉल्यूम कितना होगा सर, आपके पास 10 रुपये थे, 2 रुपये और मिल गए, तो 2 रुपये आपको मिले, अब टोटल कितना हुआ आपके पास, है ना, 10 2 12 जोड़े ना अपना, आपने जोड़ा कितना, जोड़ा 10 2 12, हम यहाँ कितना जोड़ेंगे, इनिशियल कितना था V0, कितना बढ़ा V0 बटा में 273, समझे कि नहीं समझे, हाँ समझ गया ना, वही 10 रुपया आपके पास था, आपको 2 रुपया हमने दे दिया, अब आपके पास कितना रुपया हो गया, 12 रुपया। इसके पास पहले वॉल्यूम था V0, अब इसको बढ़ गया V0/273, अब इसके पास वॉल्यूम कितना हो गया, जितना पहले था जितना भी बढ़ा उसको जोड़ दो, पता चल जाएगा इसके पास कितना बढ़ा, टोटल कितना वॉल्यूम है, ये V0+V0/273, अब इसको जोड़ के कुछ तो आएगा, जैसे आपका जोड़ के 12 रुपया आया, इसको जोड़ के कुछ तो आएगा, तो जो जोड़ के जो आएगा उसको हम बोलते हैं V1, की बोलते हैं हम उसको V1, समझे कि नहीं, हाँ V1 T1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको नाम दे देते हैं हम, चलो टेम्परेचर को भी T0=0 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बढ़ा के कितना V1 हो गया, V1 मैंने क्या, V0+V0/273, ओहो हो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलो
अब हम लोग टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाते हैं, एक तो बढ़ाया इसमें एक और एक बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, दो। क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ ही गया, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसको, उतना नहीं बढ़ा रहे कि ये फट जाए अभी, बस वॉल्यूम बढ़ेगा थोड़ा सा, इसको और बड़ा करेंगे हम लोग, है ना। वाह, बैलून का तो साइज ही बन नक्शा बदल गया, चलिए कोई बात नहीं है, ये हमारे गैस के मोलिक इसको और जगह मिल गई है ना, वॉल्यूम बढ़ा बेचारा लोग का, और थोड़ा जगह मिल गया, घुटन में थे पहले। अब टेम्परेचर को हम नाम देते हैं T2, T2 हमारा कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बोलते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम का 1/273 हिस्सा बढ़ जाता है, ठीक है सर, बढ़ जाता है। तो ये समझ में आया ना आपको कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम कितना बढ़ता है, अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम का 1/273 हिस्सा बढ़ जाता है ना। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, देखिए, ठीक है, इतना हिस्सा बढ़ा, और बढ़ने के बाद कितना, इतना टोटल टेम्परेचर को हम यहाँ पर छोड़ दिए थे, क्योंकि ये जो बढ़ोतरी हुई किसके वजह से हुई, टेम्परेचर की वजह से हुई ना, इसलिए टेम्परेचर को यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। टेम्परेचर क्या माना हमने, T1, इसलिए T1 को वहाँ मल्टीप्लाई किया, बढ़ के कितना हुआ V0 प्लस इतना, उसको हमने नाम क्या दिया, V1। बस आगे बढ़ते हैं, V1 V0 कॉमन निकाल देते हैं, V0 यहाँ से V0 जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस ये 1/273, इसके साथ में हमारा है T1। चलिए ये V0 वैसे ही रहेगा, यहाँ से हम 273 को क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं, 73 LCM लेंगे, क्या होगा 273 प्लस T1, है ना, ये T1 वहाँ पर T1, ठीक है, ये V1 बराबर हो गया इतना। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने और बढ़ाया, जिसको हमने हम दिया T2 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी क्या होगा, ये भी अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो वॉल्यूम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है ना, इसका वॉल्यूम कितना, V0 बढ़ जाएगा, इसका 273वां हिस्सा, बढ़ के कितना होगा, बढ़ेगा आपका कितना, V0 1/273 इंटू में T2, इसको अच्छे से लिखेंगे तो V0 डिवाइड बाय 273 इंटू T2 टेम्परेचर, इस केस में T1 था, इस केस में T2 है। तो बढ़ने के बाद कितना होगा भैया, यहाँ पे जो बढ़ने के बाद नया जो वॉल्यूम आएगा उसको हम नाम देते हैं V2, जैसे कि हमने V1 दिया था, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भी इसमें भी इनिशियल ऐड करेंगे कि बढ़ के कितना हुआ, इतना तो बढ़ा है, V0 प्लस V0 डिवाइड में 273 साथ में T2, यहाँ भी वही काम करेंगे, V0 को लेंगे LCM, 1 प्लस T2 को दग के ऊपर चला गया, वहाँ भी 1 ही बचा ना, तो 273 हो गया ये, फिर V0 यहाँ पर 273 हम लेंगे LCM, 273 प्लस T2 डिवाइड बाय 273, ये क्या आया V2, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसको मिटा दूंगा मैं, जगह की किल्लत हो गई है मेरे पास, ये V1, ये दो एक्सप्रेशन को याद रखेंगे जिसको हम बॉक्स के अंदर सेफली रख रहे हैं, V1 और V2, आगे इन दोनों का काम हमें बहुत है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटार करके आगे करते हैं, ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, सारा मिटाते हैं। अब ये जो V1 और V2 हमारे पास आया, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम करेंगे इसको V1 बाय V2 इज इक्वल टू V0 इंटू में कितना है 273 प्लस T1 होल डिवाइड बाय 273, V0 273 प्लस T2 होल डिवाइड बाय 273। ये देखिए V0 से V0 मर जाएगा, ऊपर नीचे 273, देखिए इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, ये भी मर गया, ख़त्म कहानी। V1 बाई V2 इज इक्वल टू कितना बचेगा 273 प्लस में T1, ये डिवाइड बाय 273 प्लस T2। T2 जो टेम्परेचर में लिया था, किस में लिया था, डिग्री सेंटीग्रेड में लिया था ना, हाँ वहाँ पे क्या था, T1 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब भी हम 273 में डिग्री सेंटीग्रेड में कोई भी टेम्परेचर ऐड करते हैं, तो वो किस में चेंज रहता है, किस में चेंज होता है, हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, सही कहा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे T1 बाई T2, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
तीन तरह के टेम्परेचर होते हैं ना, एक हमारा डिग्री सेल्सियस, एक हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करना है, उसमें हम 273 ऐड करते हैं, वही तो है यहाँ पे 273 प्लस T1, ये हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो यहाँ से जोड़ के क्या आएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, वो उसका सिंबल है, वो जहाँ दिखे समझ जाए एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ऊपर वाला T1, नीचे वाला T2, V1 by V2 equal to T1 by T2। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी और चर्चा होगी, चार्ल्स लॉ से रिलेटेड, रुक जाइए, सब्र रखिए, सब मिलेगा। तो ये क्या है सर, V1 by V2 equal to T1 by T2, इसको थोड़ा सा और इधर लाते हैं, चलिए V1 by T1 equal to V2 by T2। ये देखो तो डायरेक्ट वेरिएशन है, ये टेम्परेचर वॉल्यूम टेम्परेचर को डिवाइड किए और फिर उसको डिवाइड किया, दोनों बात सेम आ रहा है। यही चीज़ तो लिखा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब यहाँ पे जिस इक्वेशन में जो टेम्परेचर है ये कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, बाकी ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारा आया था V1 equal to V0 अंदर में 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे जो टेम्परेचर स्मॉल T1 ये कौन सा है हमारा, वो सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर, मतलब स्मॉल T1 हम लोग सेल्सियस टेम्परेचर को स्मॉल T1 से डिनोट किए हैं और कैपिटल टी से किसको डिनोट किए हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। समझ में आया? तो जो अल्टरनेट जो स्टेटमेंट था कि एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट विथ इट्स टेम्परेचर, विथ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट वर्ड नहीं बोलोगे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो पहला जो हमारा है वो क्या बोलता है, एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर द मास ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, सॉरी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास चेंजेस। अच्छा गड़बड़ा गया, हाँ रुक। एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड, यहाँ पे प्रपोजल इंक्रीज होता है, इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1/273 पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मोयन दबाव पर किसी गैस की दी हुई कैमियत का हजम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर का 1/273 हिस्सा बढ़ या घट जाता है। दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में स्टेटमेंट लिखने बोलेगा आप ये लिखोगे 1/273 हिस्सा वाला, है ना, इसको नहीं लिखोगे, इसको भी लिखोगे तो सही है बट पहला प्रेफरेंस उसको देना है, अगर वहाँ लिखने में गड़बड़ा दे तो ये स्टेटमेंट लिख देना, मोयन दर्जारात पर किसी गैस की दी हुई कैमियत का हजम अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है ना। देखो ये उल्टी गाड़ी आ गई हमने, इसको हम सॉल्व करके ये इक्वेशन लाते तो वो इक्वेशन वापस हमारे इसमें आ गया, हो गया ख़त्म, चार्ल्स लॉ यही है और क्या। इसको नोट कीजिए, चार्ल्स लॉ का हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसमें भी दो ग्राफ है। तो अब देखते हैं ग्राफ को, इसमें दो ग्राफ, इसमें भी आता है एक वी वर्सेस कैपिटल टी है, वी वर्सेस स्मॉल टी। कैपिटल टी मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर भी बोला जाता है, और स्मॉल टी मीन्स टेम्परेचर हमारा किसमें डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। देखिए तो जब हम वॉल्यूम को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंटल डाटा लेकर के अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस में रहेगा हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम रहेगा वाई एक्सिस में, तो हमारा ग्राफ ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन। क्यों है? सिंपल रीजन मैंने बताया था भैया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी दो वेरिएबल आपस में डायरेक्टली वेरिएशन में है तो दो वेरिएबल का ग्राफ अगर बनेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इनका भी स्ट्रेट लाइन ही आना था, ये स्ट्रेट लाइन आया हमारा, ठीक है स्ट्रेट लाइन आ गया। अब आगे देखते हैं कि ये जो स्टडी ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है, जीरो। अब यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या है, जीरो, सॉरी वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है। ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ हमारा टेम्परेचर में, टेम्परेचर में यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब केल्विन में बोला जाए तो जीरो केल्विन, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन बोलते हैं, यानी कि जीरो केल्विन है यहाँ पे टेम्परेचर, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर वॉल्यूम भी हमारा जीरो है,
या आप जीरो केल्विन बोलो, केल्विन 4K डिनोट करते हैं, जीरो केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो जीरो केल्विन का वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर हमारा जीरो केल्विन टेम्परेचर, वॉल्यूम जीरो है, मतलब इस टेम्परेचर पर अगर गैस पहुँच गया तो उसका वॉल्यूम जीरो। ऐसे बताऊँ एक बात, आइडियली ना वॉल्यूम जो है जीरो नहीं होता है गैस का, इस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद स्टेट चेंज हो जाता है उसका, मनु गैस रहता ही नहीं है, ये बात है। गैस से पहले क्या बनेगा, लिक्विड, लिक्विड के बाद बन जाता सॉलिड, ख़त्म कहानी। टेम्परेचर घटा रहे ना, टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड बनता है, लिक्विड गैस बन के ख़त्म। टेम्परेचर वहाँ से घटा रहे हैं तो गैस लिक्विड बनेगा, लिक्विड वापस सॉलिड बन जाएगा, तो वो ख़त्म। जब वो गैस ही नहीं बचा तो उसका वॉल्यूम कहाँ से रहेगा, इसलिए बोला जाता है कि गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर आके ख़त्म हो गया। और जानते हो जो टेम्परेचर है बहुत ख़तरनाक है, मैंने अभी तक एट प्रेजेंट इस कायनात में पूरे यूनिवर्स में इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिला है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर तक जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अभी तक फिलहाल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इस टेम्परेचर का और नीचे जाना है। वैसे तो यहाँ तक भी जाना इम्पॉसिबल है, इतना दूर कौन जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इमेजिन करके देख लो। -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाती है, होता नहीं हो जाती है, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में बोलेगा तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वॉल्यूम जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, जीरो होता नहीं है, वहाँ पर आकर जीरो हो जाती है। हाँ ये हो गया इसका बात, अब देखते हैं। अच्छा सर, तो ये भी तो हमारा डायरेक्टली वेरिएशन में है ना, इधर भी y एक्सिस में, इधर हमारे स्मॉल t, ये भी तो डायरेक्टली वेरिएशन में है, तो सर इसका भी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जी स्ट्रेट लाइन होगा, बट इनका थोड़ा डिफरेंट होता है, स्ट्रेट लाइन जैसे आते हैं थोड़ा सा इसको पीछे टांगते हैं, यानी यहाँ पे भी तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कहाँ पे जीरो हो रहा है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है ना, जो ग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ पे स्केल कौन सा है, जीरो का, टेम्परेचर की इसमें डिग्री से जीरो डिग्री सेंटीग्रेड 1 2 3 4 फलान ठेका सबसे चलेगा वहाँ तक, उस तरीके से जीरो का इस साइड आते हैं हम, लेफ्ट साइड आते हैं ग्राफ का, तो कौन सा ग्राफ स्केल आता है, माइनस वाला, इस तरफ माइनस में हमारा है ना। अच्छा इसको मिटा देते हैं, उसको मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पीछे कीजिए, नोट कीजिए, और क्या, इसको थोड़ा सा लाइन को मुझे और बढ़ाना था इसलिए मैंने मिटा दिया, वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, बट वॉल्यूम तो जीरो होना है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से हम इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन में बनाते हैं, डॉटेड लाइन में बनाने का एक ही रीज़न है कि भैया गैस का जो स्टेट होता है ना वो चेंज होने लगता है, टेम्परेचर आप इतना ज़्यादा करो गैस का स्टेट चेंज होने लगता है, यहाँ पर आकर के वो जीरो हो जाएगा, मतलब जिस पॉइंट पे ये ग्राफ टच कर रहा है ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा टेम्परेचर हो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ख़त्म कहानी। बस दोनों ग्राफ का नेचर सेम, स्ट्रेट लाइन ये आप कैसा बनता है वो आपका वैसा ओरिजिन से पास होता है एब्सोल्यूट वाला। अच्छा स्लोप के बारे में देख लेते हैं, स्लोप, ये ग्राफ आपका ऐसा था, वी टी, स्लोप क्या होता है बाबू बोलिए, स्लोप इज इक्वल टू टान थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में कौन है हमारा, परपेंडिकुलर में हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम लीजिए, बेस में कौन है, टेम्परेचर, वी बाई टी, तो ये इसका हो गया स्लोप। स्लोप यहाँ पे छोटा सा एंगल बना दिए थीटा, स्लोप कौन सा थीटा है, टान थीटा है, तो इसका स्लोप क्या हो गया इस ग्राफ का हमारा, वी बाई टी, इसका एक नाम भी है मुझे याद नहीं आ रहा, इसको एक अच्छा वो बता दूंगा मैं बाद में, नाम याद नहीं आ रहा, इसका निकालोगे तो वी बाई स्मॉल टी, बस ख़त्म, ठीक है इतना ही। स्लोप वगैरह ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप याद रखिए, तो ये हुआ कहानी ख़त्म, इसके बाद इसको नोट कीजिए, इसके बाद चार स्लोप पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बढ़िया बढ़िया है ना। तो ये छोटी सी पेशकश मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ना, बुक में मुझे क्वेश्चन मिला नहीं चार स्लो के ऊपर, छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपको, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 250 cc, सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया हुआ, वॉल्यूम 250 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, कितने टेम्परेचर पर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वॉट इज द वॉल्यूम एट 129 डिग्री सेंटीग्रेड एट सेम प्रेशर। अच्छा, कौन सा लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ। बॉल्स लॉ अगर लगाना है तो क्या देखना पड़ता है कि सेम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए मेरे लॉ के अकॉर्डिंग,
चार्ल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट बोला है, मास कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। देख लो, व्हाट इज अ वॉल्यूम एट एट नाइट, सेम प्रेशर, उसी गैस की बात की जा रही जो पहले थी, है ना। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बेस करके, या आगे भी जो लॉ आने वाला उसमें मास आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो क्या क्या है देखते हैं। V1 कितना है अपने पास, 250 डिग्री, इस पर क्यों डिग्री लगाते, 250 cc। उसके बाद आपका क्या, T1, हाँ अरे हमने क्या लिखा, T1 कैपिटल T। अच्छा, कैपिटल T का मतलब क्या होता है सर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अपने को क्या दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जब भी चार्ल्स फॉर का न्यूमेरिकल बनाइएगा उसको क्या करना है, क्या करना है, हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करना है। डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मना है, बोला है एब्सोल्यूट पे आप कैलकुलेशन कीजिए। तो एब्सोल्यूट में कैसे चेंज करते हैं डिग्री सेल्सियस को, बहुत आसान है सर, जो दिया है उसमें 273 जोड़ दीजिए, 273 प्लस 27 ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब केल्विन, तो साथ में वो लगा देंगे के, कैपिटल के, बस हो गया। T1 इतना हो गया, V2 कितना दिया है, V2 बोला है 129 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 जो है वो पूछा है। सो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वी हैव, चार्ल्स लॉ ने हमें ये दिया है, ये हक हमें दिया है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमारे पास ये हक है कि हम V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 लिख सकते हैं, है ना। क्या पूछा है, T2 को निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V1 T2 इक्वल टू V2 T1, क्या चाहिए, T2 इज इक्वल टू V2 T1 डिवाइड में V1, ऐसा लग रहा है जीवन रावण हो रहा है। तो V2 हमारे पास कितना है, ये मैंने, मिस्टेक हो गई, ये T2 दिया हुआ है ना, मैंने बोला डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया टेम्परेचर, V2 पूछा है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखना है, इसमें हम इस टेम्परेचर में 273 जोड़े के इसको भी हम केल्विन में चेंज करेंगे, तब ना V2 पूछा है, सॉरी भावनाओं में बह गया था मैं, हमको V2 चाहिए। V1 by T1 is equal to V2 by T2, क्या चाहिए अपने को, V2 चाहिए, तो V2 T1 equal to V1 T2, V2 यहाँ से निकालेंगे, तो V1 T2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस लाइन में, तो यहाँ पे इसको नीचे भेज देते हैं, T1, V1 कितना है 250 into T2 यहाँ पर है, ऐड कीजिए तो 9 + 3, 9 में 3 ऐड होगा, कितना बचेगा हमारा, ये इनटू मैंने लो 2, 12, 12 का 2, 7 और 2 9, 9 और 1 10 का 0, 1 बज गया पैर में, 2 एक 3, पैर से निकालो एक को, 3 एक 4, 402, इधर कौन है, T1 जोड़ो, 273 27, इसको भी जोड़ना है, 300 होगा और क्या, तो 10 से 10 मर गया, 5 का पहाड़ा याद कीजिए 5 बार 25 होता है, 6 बार याद कीजिए 30 होता है कि नहीं होता है, हाँ कन्फ्यूज़ नहीं होने का ज़्यादा, जरा आप गौर से देखिए क्या ये दोनों आपस में मारामारी करेंगे, अगर करेंगे तो मारामारी कराते हैं लोग हम ना, तो देखो 6 बचा इधर, 6 से काटो इसको, 6 × 36 होता है, 40 में 36 गया, बचा कितना 4 चला जाएगा 2 के पास, 40 तो छोड़ के भाग गया उसको, तो 4 × 2 = 42, जोड़ना नहीं है रे, बगल में रखना है, 42 हुआ तो 6 × 7 होता है 42, कितना है 67, अब 5 × 67 का दोस्ती कराओ, कैसा दोस्ती, मल्टीप्लाई करना है सर उसको, बराबर 5 × 67, अभी काम अपने से करो, सब हम ही से करोगे, मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो आपका आंसर होगा, आंसर में लिख देना उतना cc, ये जो आ गया आपका cc लिख देना, मैंने क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकाला ना, तो बस सही है। बॉयल्स लॉ में क्या है भैया, उसमें आपका वॉल्यूम प्रेशर के साथ खेला है, 3 पॉइंट बोले इनिशियल वॉल्यूम देगा या फाइनल देगा, कोई भी एक उसमें से गैप करेगा पूछेगा 3 देगा, इसमें वही है, इसमें से कोई सा एक गैप करके चौथा वाला पूछ लेगा, रूल ऑफ थ्री अगर आप मैथ बनाए होगे तो ये उसी तरीके का है कुछ, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, हाँ तो उसके बाद अब देख लेते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे, ठीक है। मैं ऐसे सोच रहा था कि कंबाइंड फॉर्म होता है बॉयल्स और चार्ल्स लॉ का,
वो पढ़ते, लेकिन खैर उसको बाद में पढ़ेंगे जब आइडियल गैस इक्वेशन के डेरिवेशन के टाइम उसमें देखेंगे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत है, इसलिए उस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा और अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है मालूम आपको? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका जो डेफिनेशन है वो हमारा चार्ल्स लॉ से ही आया है। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, मुअय्यन दबाव पर, यहाँ पे इसमें है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये डिफिनेशन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बता दूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब मुअय्यन दबाव पर किसी गैस की दी हुई कैमियत का हजम जिस खास टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है उसी टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसका वैल्यू कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट डिग्री टेम्परेचर का, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परे एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने प्रेशर कौन है ना चार्ल्स लॉ में, क्या प्रेशर कांस्टेंट है मास कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया मास हमारा कांस्टेंट। अब इस केस में जिस खास टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर के जिस वैल्यू पर आ करके हमारा जो गैस का वॉल्यूम जीरो हो जा रहा था उसको एक नाम दे दिया गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और कुछ नहीं। ग्राफ में भी हमने देखा था आपका जो ग्राफ हम बनाए कि भैया यहाँ पे तो जीरो हो जा रहा था, और वो वाला ग्राफ में भी हमने क्या देखा कि थोड़ा सा पीछे आ करके वो जीरो हो जा रहा था, तो जिस टेम्परेचर पे ये जीरो हुआ -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जीरो केल्विन, तो इन्हीं जो दो टेम्परेचर हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बस यही डिफिनेशन है। मुअय्यन दबाव पर किसी गैस की दी हुई कैमियत का हजम जिस खास टेम्परेचर पर सिफर हो जाता है उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर द मास ऑफ ए सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास बिकम्स जीरो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, डैट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बस खत्म कहानी। तो ये था चार्ल्स लॉ से रिलेटेड सारी बातें, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी कहानी समझ आई होगी। नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको सारे नोट्स वहीं पे मिलेंगे। इसके अलावा आप अच्छे खासे तो मैं इतने आधा बात तो आपको वीडियो में ही बता देता हूँ, नोट्स तो आपको जो मिलेंगे वो ठीक है लेकिन नोट्स में वो बातें नहीं मिलेगी जो बातें मैं वीडियो लेक्चर में बता देता हूँ। ऐसे पढ़ाने टाइम बहुत सारी बातें दिमाग में आती है वो बोलता चला जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके पहले जितने लेक्चर सारे रिवाइज कर लीजिएगा, इसके जो अगला लेक्चर आएगा वो होगा हमारा एवोगैड्रो लॉ के ऊपर। एवोगैड्रो लॉ में हमारा मोल का कंसेप्ट है, मोल होता है क्या, मोलर वॉल्यूम, वहाँ पे एक अच्छा एक डेरिवेशन भी है मोलर वॉल्यूम और वेपर डेंसिटी का जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।